हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमसाई कुकिंग क्लासेस एंड दिस इज सीमा गवारे पाटिल फ्रॉम नासिक। आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है रवा केक। रवा केक ऐसा है ना कि बचपन में जब ओवन्स नहीं थे तो मम्मी लोग, अगर आप भी रिमाइंड करो जो पहले मम्मी लोग केक बनाते थे, बीच में वो होल रहता था, उसमें मैदे का केक बनता था, रवा का केक। ये अपना बहुत ट्रेडिशनल, बहुत पुरानी यादें जुड़ी रहती है इस केक के साथ। सो मैं आपको दिखाती हूँ कि रवा केक कैसे बनता है। रवा केक में लगने वाली सामग्री है दही आधा कप, पीठी शक्कर एक कप, मैदा आधा कप, बारीक सूजी एक कप प्लस 1/4 कप, दूध आधा कप, तेल आधा कप, बेकिंग सोडा हाफ टी स्पून, बेकिंग पाउडर हाफ टी स्पून, टूटी फ्रूटी 1/4 कप। सबसे पहले आपको करना क्या है, तेल लेना है। इस रेसिपी में एक ही चीज याद रखना है, जो सूजी लोगे ना बारीक, जो जीरो नंबर की जो होता है सूजी, वो यूज करनी है। सो ये मैंने तेल लिया, इसमें मैं डालूंगी दूध। ओके, इसके बाद इसमें हम डालेंगे दही। इसको आप मिक्स कर लीजिए। अब इसके अंदर जाएगा सूजी। ये कितनी क्वांटिटी में डाल रही है, ये सब डिस्क्रिप्शन में हमने डाला हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, उसमें सारे इंग्रेडिएंट, कितने ग्राम, कितने कप, पूरा डिटेल में दिया हुआ है। सो रेसिपी है ना, ट्राई कीजिए कि लास्ट तक देखिए, ताकि कुछ अगर आपके टिप्स है ना वो मिस ना हो। अब इसमें जाएगा मैदा। क्या होता है, अगर आप सिर्फ सूजी डालो ना तो आपका केक बिखर जाता है, कोई से बाइंडिंग नहीं होगा उसमें। इसमें मैदा डाल के इसको छान लेना है। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ मिल्क पाउडर। इसको भी मैं छान रही हूँ। फिर इसमें जाएगा नमक और एसेंस। इसमें मैंने बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा डाला नहीं है, इसको हम बाद में डालने वाले हैं। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिए, और जो बेल आइकन दिया है उसे प्रेस करना ना भूलिए। सो इसके बाद इसमें जाएगा वनीला एसेंस और नमक, और इसको अब हम 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, ताकि जो सूजी है ना वो दूध पूरा एब्जॉर्ब कर ले, और फिर हम जैसे हमको दूध लगेगा हम इसमें डालने वाले। अब मैं चीनी डालना भूल गई थी, इसमें हम डालेंगे एक कप शुगर और इसको हम मिक्स कर लेंगे। सो इसको मैं ऐसे ही छोड़ने वाली हूँ। तो जैसे आप चीनी डालोगे, ये देखिए ये पानी छोड़ेगा, और इसको अब आपको छोड़ देना है 20 मिनट के लिए। बाद में आपको इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करनी है, क्योंकि ये और भी थिक होगा। सो अभी मैं इसे 20 मिनट छोड़ देती हूँ, फिर हम इस रेसिपी पे आते हैं। तो इससे 20 मिनट हो गए हैं, ये देखिए अभी इस कंसिस्टेंसी में है। मैं इसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, और इसमें जाएगा टूटी फ्रूटी। तो ये टूटी फ्रूटी नीचे नहीं जाने वाला है, क्योंकि ये जो बैटर है थिक है। बहुत बार जब आप केक बनाते हो ना तो क्या होता है, आपकी जो टूटी फ्रूटी है पूरा नीचे आके बैठती है। ये कब होता है, अगर आपका केक का बैटर बहुत पतला है तो ऐसा होगा। और अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो आप हमारे कोई भी ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। टोटल हमारे पास 60+ कोर्सेज है। ऑनलाइन कोर्स के लिए आपको एक नंबर डायल करना होता है 9325294757 या 9850746889। अगर आपने ये नंबर मिस कर दिया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे डायल करके आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें 55 कोर्सेस हमारे वेज है और 6 कोर्सेस हमारे नॉन वेज है। ऑनलाइन में हम आपको रेसिपी देते हैं, पूरे क्लास का वीडियो शेयर करते हैं, और अगर आपको कोई क्वेरीज है तो आप कॉल करके पूछ सकते हो। तो मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ कि जब हम लोगों ने चीनी डाला तो इसने खुद से पानी छोड़ दिया था। तो अब इसका जो कंसिस्टेंसी ये परफेक्ट है, क्योंकि हम लोगों ने चीनी लास्ट में ऐड की थी और चीनी ने पानी छोड़ा था। अगर आपका बैटर थोड़ा थिक हो जाए, आपको लगे कि आपका बैटर बहुत ज्यादा थिक लग रहा है, तो थोड़ा सा आप उसमें दूध डाल के इस कंसिस्टेंसी तक एडजस्ट कर लेना। ये देखिए कैसे ड्रॉप हो रहा है, एकदम पतला नहीं है,
क्योंकि अगर आप एकदम पतला रखोगे तो ये जो टूटी फ्रूटी है वो पूरे नीचे सेटल हो जाएंगे। ये जो कंसिस्टेंसी है रिबन की तरह ये आपकी होनी चाहिए। ओके सो अब मैं इसे 7x7 के टिन में डालने वाली हूँ। तो ये मैंने 7x7 का स्क्वायर टिन लिया है, इसमें मैंने नीचे बटर पेपर डाला है और ये पूरा बैटर हम इसके अंदर डालेंगे और इसे हम बेक करेंगे 180 डिग्री पे 40 से 45 मिनट्स। आप जिसमें भी बेक करो, माइक्रोवेव, ओटीजी, गैस, जहां भी बेक करना है कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले आपको प्रीहीट करना है हर चीज को 10 मिनट के लिए। ओके सो ये हो गया, इसके ऊपर हम थोड़ी सी टूटी फ्रूटी डाल देंगे। अब हम इसके ऊपर डालेंगे टूटी फ्रूटी और इसे हम बेक करेंगे 40 से 45 मिनट्स। सो अभी ये पहले तो आपको रवा केक है ना पूरा ठंडा करना है, नहीं तो ये जब आप कट करोगे तो पूरा टूट जाएगा केक। ओके ये ठंडा हो गया है, अब हम इसके पीसेस करेंगे। मैं अब आपको इसके पीसेस करके दिखाती हूँ। सो ये देखिए टूटी फ्रूटी में आप रवा केक घर पे भी बना सकते हैं, बहुत इजी रेसिपी है, इसे ट्राई कीजिए और हमें बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।